हे गाइस, अ वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? और बज रहे हैं दोपहर में 2। अभी लंच टाइम हो रहा है मेरे घर में, क्योंकि आज दिवाकर जी घर पे हैं और मैंने बनाया आज लंच में हरे प्याज की सब्जी। ओके, और इसके साथ मैंने बनाई है रोटी, जो कि मैंने अभी उतनी बनाई है जितना कि काम है। ये सारे बर्तन, अभी बिमला जी आज बहुत लेट आई थी तो सारे बर्तन वॉश करके गई हैं वो। ओके, तो यहाँ पे इसलिए बर्तनों का पानी निकल रहा है, तो उसके बाद मैं अंदर रखूँगी। ये रहा आटा, तो अभी मैंने उतने ही बनाया है जितने की ज़रूरत है। हन्नू तो अभी वो शाम को नहीं, 1-2 घंटे में आएगा वहाँ से, क्या नाम है, कॉलेज से अपने। और उसके बाद आज वो हॉस्टल में उसका सामान पहुँचाना था बोल रहा था, तो हम उसका सामान लेकर जाएंगे हॉस्टल। आज का ये काम है, और क्योंकि शिफ्टिंग उसकी थोड़ा सा इसलिए ज़रूरी ना, क्योंकि वो शायद जैसे होता है ना, हॉस्टल में रूम वगैरह अलॉट कर देते हैं, अगर ना पहुँचे तो वो रूम किसी और को मिल सकता है, तो ये डाउट है कि किसी और का ना मिल जाए, इसलिए वहाँ पे सामान पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और अभी खैर मैं तो बोल रही हूँ कि अभी वो यहाँ से ना जाए, क्योंकि वो दिल्ली के लिए बहुत न्यू है, बहुत नया है, तो डेली का थोड़ी सी कोई आ रहा था, हाँ कुछ चीज़ें मतलब जानने पहचानने में भी टाइम लगता है। अभी 2-3 दिन ही हुए हैं आए हुए तो दिल्ली, तो इसलिए जैसे आपने देखा था कल के व्लॉग में, भैया भाभी चले गए घर गांव गए, तो उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल होने देते हैं, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो जाए फिर तो उसको भी ठीक रहेगा, और उसको भी फैमिली की याद मतलब घर की याद थोड़ी सी कम आएगी। इसके लिए मैं चाह रही हूँ कि थोड़े दिन यहाँ रह जाए। अमन को मैंने खाना दिया था, क्या कह रहा है, क्या हो रहा है? खाना खा रहे हैं भाई, खाना खाना खा रहे हैं। क्या क्या खा रहे हो? रोटी और पनीर लबाबदा। पनीर लबाबदा, हरे प्याज की सब्जी। और अमन अपनी पढ़ाई कर रहा था। अमन का ये रूम हो गया है सन्यासियों वाला, एक कम्बल लेके रहता है यहाँ पे, कम्बल, ये इसकी नोटबुक, वो उसका फोन, और क्या है, और लीड और बैग। तो ये सन्यासियों का रूम है, रूम बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ सफाई डन है। बाय बाय। ओके, और इस रूम में अभी ये सब आप देख रहे हैं ना, ये दिवाकर जी ऑफिस से आए हैं, डुगू स्कूल से आया है, दिवाकर जी ऑफिस से आए हैं, तो उन्होंने अपना जैकेट उतारा है, टॉवल पोंछ के, मुंह पोंछ के टॉवल वहाँ रख दिया है, और ये सब चीज़ें कर रखी हैं, तो अभी मैं ठीक करूंगी इन्हें। और इधर देखिए, डुगू बनाया लिटिल सिंघम। डुगू अपना स्कूल का ट्यूशन का होमवर्क कर रहा होगा, लिटिल सिंघम बना रहा हूँ, लिटिल सिंघम। और ये गद्दा जो है, ये फ्रूटी दीदी ने बिल्कुल एकदम इसका नाश मार दिया है, इसका नाश नहीं, वहां मैंने कर दिया है। तो ये फ्रूटी ने जो है ये पूरी खोल वोल सब फाड़ दी है, जब से मैडम आई है पिछले साल से अभी तक इन्होंने ये काम किया है बहुत अच्छे से, तो ये अब फेंकना पड़ेगा या तो, और या तो फिर इसको रिन्यूएट करना पड़ेगा। ये फ्रूटी जी खा गई, यहाँ से खा गई मतलब उसने नोच नोच के फॉर्म को बाहर निकाल दिया, तो गद्दा बिल्कुल बेकार कर दिया है। बट मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर अच्छे से खोल वोल लगवा के इसको रिन्यूएट कर दूँ थोड़ा सा, ताकि कुछ दिनों का ऐसे कोई मतलब रखा रहता है, यूज़ हो जाता है, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो उसमें यूज़ हो जाता है ये, कोई नहीं तो हम ही सो जाते हैं इस पर, रिलैक्सिंग है। और यहाँ दिवाकर जी सो रहे हैं, और ये फ्रूटी देखो अभी भी मुंह में कंबल डाल के लेटी हुई है, अभी भी अपनी आदत तो सुधरती नहीं है, पूरा कंबल फाड़ दिया इसने, और अभी भी देखो मुँह में कंबल डाल के ही बैठी रहेगी, ये इतना नुकसान कर रही है घर में हमारा। हाँ, इतनी शैतानी क्यों कर रही हो, दबा दूँगा ना, हाथ पकड़ लिया, मेरे हाथ पकड़ लिया, दबा दूँगा ना, ये बन गया मैं लिटिल सिंघम, दबा दूं गला आपका, बताओ बताओ जल्दी, ऐसे दबा दूं गला, नहीं मान नहीं रहा हूं, चलो पढ़ाई करो अपनी आप। तो दिवाकर जी यहाँ पे जग चुके हैं सोकर, और मैं इनको बोल रही हूँ कि दिवाकर आज पिज्जा खिला दो पिज्जा जैसे मुंह बना के पिज्जा खाना है। हाँ, मेरे बहुत दिनों से मन ऐसे कर सा रहा है कि हम पिज्जा खाएंगे, पिज्जा खाएंगे हम, लेकिन कब खाएंगे पिज्जा, आज खाएंगे रोटी को ही पिज्जा, ये चिढ़ जाती है जैसे ही मैं दिवाकर जी को करती हूं, चिढ़ जाती है, इसको क्या दिक्कत है इसको दिक्कत क्या है, देखो ये देखो, देखो अब दिखाओ उसको, देखो यही देख रही है रिएक्शन, देखो उसका जलने वाली, जलने वाली इधर आ, मेरे पास कोई भी आता है ना तो उसको ये होता है, ये दिवाकर जी के लिए इतनी मतलब वो है ना, देखो देखो कैसे कूद गई इनके ऊपर, देखो
देखो मतलब इसका ये है कि दिवाकर जी के पास कोई ना आए, ना मैं, ना डुगू, ना कोई और। मैं सोया था तो पापा भी सिर्फ इसी के हैं। मैं सोया था तो भी मेरे पास आ गई थी। ठीक है ठीक है ठीक है। ओहो अब देखो, ये देखो। हो गई ना शान। इसको सिर्फ दिवाकर जी चाहिए और ये मेरे पास ही आना चाहती है। क्या है क्या है क्या है? देखो शैतान शैतान, देखो उन्हीं के पास, उन्हीं के पास। अरे 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 बस। हम फ्रूटी का खाना खत्म है, हम जा रहे हैं फ्रूटी का खाना खरीदने। फ्रूटी पंजे मार, इतने पंजे मार दिए ना, दिख ना, दिखाओ सब। हाँ। दिखाओ दिखाओ, पंजे मार दिए। कैसे मारे पंजे इसने? नाखून बड़ा हो गया, नाखून बड़े हो गए इसके। अरे वो जान बुझ के नहीं मारेंगे। अरे आप उसकी तारीफ करो, वो आपकी तारीफ करे। बस रुक जा रुक जा फ्रूटी रुक जा। आज फ्रूटी को लेके चलते हैं इसके खाना लाने के लिए। हाँ फ्रूटी को लेके चलते हैं, जाएगी खाना लेने। एक महीने से ज्यादा हो गया बाहर नहीं निकली बेचारी। चल, चल, तो चलो चलते हैं हम लोग खाना लाने के लिए। फ्रूटी का फूड जो है वो खत्म हो गया है, हम लेके आते हैं। पट्टा लगाओगी? अरे कहीं कूद के भागने लग जाए तो इसका क्या पता। और आज चलेगी अपने मम्मी की स्कूटी पे। हाँ। और ड्राइव करेंगी मम्मी जी। हाँ। क्योंकि जाकर जी को पता है ना कि मुझको नहीं दूंगी ड्राइविंग के लिए। उन्हें अपनी स्कूटी अपनी स्कूटी देती भी नहीं है मुझे, परमिशन लेना पड़ता है मुझे। अमन तो छूना भी नहीं है। कल मेरी बाइक में पेट्रोल कम दबा वाला कि मैं ले जाऊं, नहीं छूना मत, मेरी स्कूटी मत छूना, तेल नहीं भराते हो ये वो। लिया तो मैं सिर्फ किसके लिए? डुगू को। नहीं डुगू को सिर्फ स्कूल से ले जाने वाले। अच्छा, आपने लिया है? नहीं ठीक है आपने लिया। ठीक से लोगों को कंफ्यूज मत करो। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं अत्याचार कर रही हूं। ओहो लिया तो सिर्फ स्कूल से ले जाने वाले आने के लिए, पूरा मौज मार रही है। एक्साइटमेंट देखो इसका। चलो 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 ये। बैठ जा। चोट लग जाएगी। सामान लेके आए हैं, फ्रूटी का खाना लेकर आ गए हैं और अब बारी है आज मैंने इसी कहा था पार्टी करने की। तो बच्चे भी आ गए हैं, अमन भी आ गया है, डुब्बू भी आ गया है, हनु भी आ गया है कोचिंग से। हाँ जी सब लोग आ गए हैं। हे फ्रूटी। और फ्रूटी आज खुद गई थी अपना खाना। अमन अभी वॉशरूम है, अमन अभी वॉशरूम में है। अमन बाहर आ जाए तो मैं प्लान सबके सामने खोल देती हूँ। कौन सा प्लान है भाई? प्लान ए या प्लान बी? नहीं मेरा बी नहीं होता, मेरा ए ही होता है।